टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ हार्ड एसिड एंड बेस, हाउ वी कैन डिफाइन द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, लिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन्वॉल्व्स कोवलेंट इंट्रैक्शन टू फॉर्म अ कोवलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. अकॉर्डिंग टू लिवर्स एन एसिड एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, हाउ वी कैन डिफाइन द एसिड अकॉर्डिंग टू लिवर्स. एसिड इज एन अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही होती है वो एसिड होती है अकॉर्डिंग टू लिवर्स के. एंड अ बेस एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है और एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है. इन 1963 रल्फ पियर्सन, एक साइंटिस्ट थे रल्फ पियर्सन, इंट्रोड्यूस द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल. इसको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं एंड सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. यानी एस यहाँ पे एच एस ए बी है तो आप एच एस ए बी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कोऑर्डिनेट टू द हार्ड बेसिस. क्या है, हार्ड एसिड्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट कर सकें द हार्ड बेसिस के साथ एंड सॉफ्ट एसिड्स टू सॉफ्ट बेसिस. सॉफ्ट एसिड्स जो है वो सॉफ्ट बेसिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. प्रेफरेंस उसके बता रहे हैं कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कोऑर्डिनेट द हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स टू सॉफ्ट बेसिस. दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड टू रैशनलाइज अ वैरायटी ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन एज एन अटेम्प्ट टू यूनिफाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस. 1983 बाय रल्फ पर्सन एंड रॉबर्ट पर द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वॉज कन्वर्टेड टू क्वान्टिटेटिव वन. दोनों ने क्या किया कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया टू क्वान्टिटेटिव वन में बाई यूजिंग द आइडिया ऑफ पोलराइजबिलिटी. रल्फ पियर्सन एंड रॉबर्ट पर ने क्या किया कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया टू क्वांटिटेटिव वन में बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ पोलराइजबिलिटी. अ लेस इजीली पोलराइज्ड एटम और आयन इज हार्ड. अब देखें पोलराइजबिलिटी होती क्या है, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. कोई भी चीज़ जब पोल्स फॉर्म में आ जाती है तो वो उसकी पोलराइजबिलिटी होती है, यानी पॉजिटिव पोल बना ले या नेगेटिव. अनलेस इजीली पोलराइज्ड एटम, साथ में क्या लिखा है, लेस इजीली पोलराइज्ड एटम और आयन इज हार्ड. जो इजीली पोलराइज ना हो सके वो हार्ड होते हैं. एंड अ मोर इजीली पोलराइज्ड एटम और आयन इज सॉफ्ट. जो इजीली पोलराइज्ड हो सके वो क्या होंगे, एटम्स और आयन सॉफ्ट होंगे. डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस. हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय रल्फ पियर्सन टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ देयर रिएक्शंस. किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सप्लेन करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर रिएक्शंस.
types. What was the types of hard and soft acids and bases according to Lewis? Hard Lewis acids, soft Lewis acids, hard Lewis bases, and soft Lewis bases. What was the properties of hard Lewis acids? Are characterized by small ionic radii. यानी उसका रेडियाई क्या होगा, स्मॉल होगा. अगर रेडियाई स्मॉल होगा तो हाई पॉजिटिव चार्ज होगा. स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल एंड विद हाई एनर्जी लोमोस. हाई एनर्जी लोमोस, लोमोस क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आप लोगों को नहीं दिया अभी तक. तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो लोमो होता है, और होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे एंड विद हाई एनर्जी लोमोज होंगे. सॉफ्ट लिवस एसर्स आर करेक्टराइज बाय स्मॉल आयोनिक रेडियाई, हाई पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल एंड विद हाई एनर्जी लोमोस. देन हार्ड लिवस बेसिस आर करेक्टराइज बाय स्मॉल आयोनिक रेडियाई, strongly solvated, high electronegativity. क्या है यहाँ पर डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वीकली पोलराइजेबल एंड विद हाई एनर्जी होमोस. आर करेक्टराइज बाय लार्ज आयोनिक रेडियाई, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली पोलराइजेबल and low energy homos. Broader line, the broader line Lewis acids and bases have intermediate properties. यानी border line में क्या होता है कि Lewis acids हों या bases हों वो intermediate properties होती हैं उनकी. In short, hard acids and bases are small and non-polarizable. क्या है, जहाँ पे हार्ड एसिड्स और बेसिस की बात होगी तो स्मॉल होंगे एंड नॉन पोलराइजेबल. हमने पहले ही कहा है कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो सॉफ्ट के ज़्यादा इजी होती है और स्ट्रॉन्ग की हार्ड, जो हार्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी पोलराइजेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनके नॉन पोलराइजेबल भी बोल सकते हैं. हार्ड एसिड्स एंड बेसिस आर स्मॉल और नॉन पोलराइजेबल, वेयर्स soft acids and bases are large and more polarizable. Polarizability, the capacity of a group of atoms in a molecule or an ion to polarize its electrons. देखें क्या है लिखा हुआ, द कैपेसिटी, हाउ वी कैन डिफाइन द पोलराइजेबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही ग्रुप ऑफ एटम होता है, और एन आयन टू पोलराइज राइज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी ड्यू टू फॉर्मिंग द पोलराइजेबिलिटी. ये देखें यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पोलराइजेबिलिटी शो कर दी है बाय फॉर्मिंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. केमिकल स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड एंड सॉफ्ट. हार्ड आ गया फिर से लेस इजीली पोलराइज्ड स्पीशीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंट्रैक्शंस. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंट्रैक्शन में क्या था कि यहाँ पे अगर दो एटम्स थे
तो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली तौर पे दूसरे को ट्रांसफर कर देता था इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंट्रैक्शंस में। और कोवलेंट इंट्रैक्शंस में क्या होता है कि एक एटम भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दूसरा भी करता है, देन उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। अ मोर इजीली पोलराइज स्पीशीज, सॉफ्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ मोर इजीली पोलराइज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है इनके अंदर तो कोवलेंट इंट्रैक्शन बनेंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन यानी एक ही इतनी अट्रैक्शन देगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी। और यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इन दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनके दरमियान बॉन्डिंग बन रही है। कौन सी बॉन्डिंग बन रही है? कोवलेंट बॉन्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस।